हम ना द्वारा विश्वास स्वरूपम ये है शिव जी की मूर्ति। 7 बज गए, 7 बजे का भगवान भोले को देखती हुई है। विद्रोह कर दिया मेरे गुरु ने, उन पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। अभी रुके हुए हैं चित्तौड़गढ़ में, श्री श्याम होटल है ये, जय श्री श्याम। तो यहाँ पर खाना खा सकते हैं। ठीक लगा खाना, मतलब अच्छा था क्वालिटी वाइज। तो बानी बैठी हुई है पीछे आराम से। बानी क्या कर रही हो आप? कौन से गाने पर डांस कर रहे हो? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी भोलेनाथ जी की मूर्ति देखने जा रहे हैं नाथ द्वारा, जो कि बहुत बड़ी मूर्ति है। और शाम को वहाँ पर काफ़ी अच्छा लेजर शो होता है, वो भी दिखाएंगे आपको। भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, शानदार। तो गाइस उदयपुर है यहाँ से 66 किलोमीटर, अहमदाबाद 320 किलोमीटर है, और राजसमंद आने वाला है 4 किलोमीटर। राजसमंद से नाथद्वारा अराउंड 16-17 किलोमीटर के आसपास है। तो गाइस भीलवाड़ा से नाथद्वारा का जो रोड है बहुत अच्छा बना हुआ है, शानदार रोड। इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल खाली रोड मिलेगा आपको यहाँ पर। और एक टोल आता है 75 रुपीज़ का, क्योंकि हम थोड़ा इधर से एंट्री करी थी हमने, क्योंकि प्रॉपर हम वहाँ भीलवाड़ा से नहीं आए थे, तो हमको एक ही टोल मिला है यहाँ पर। और ये राजसमंद आ गया, देखें आप इधर। बोलो भोलेनाथ जी की जय। सो गाइस ये जो शिव जी की स्टेचू आप वहाँ सामने देख रहे हैं, ये अभी हम कम से कम 5 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और देखो यहीं से नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो कैसे देखते हैं? अभी आ गए हैं हम नाथद्वारा विश्वास स्वरूपम स्टेचू बिलीव। टिकट काउंटर है, ये टिकट ले लिया है अपन ने। सो गाइस ये है टिकट की रेट यहाँ की स्टेचू ऑफ बिलीव। पार्क में केवल एंट्री करोगे 200 रुपये है। पार्क एंट्री प्लस व्यूइंग गैलरी, अगर ऊपर तक जाते हो शिव स्टैचू 400 रुपये, बाकी 1500 रुपये है कुछ एक्स्ट्रा। 270 फीट 280 फीट पर अगर आप जाते हो तो ये काउंटर बने हुए हैं, 10 काउंटर 11 काउंटर हैं यहाँ पर, जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। तो ऋषु पानी सब जाएंगे पार्क में एंट्री करने के लिए। सुबह जैसा ही टिकट मिलता है और इधर से एंट्री लेंगे, चेकिंग होती है आपके सामान वगैरह लगेज वगैरह की। गुटखा वगैरह अलाउ नहीं है इसमें अंदर लेके जाना। चलो तो ये है एंट्री। हेलो गाइस, हेलो। तो बानी और ये ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर जाएंगे इसमें उस वाले पॉइंट पर। तो बानी को मजा आ रहा है फुल। तो गाइस मैं हूँ अभी शिव जी की जो मूर्ति है, शिव मूर्ति, उसके अंदर हूँ। और अब यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, पीछे पीछे नंदी महाराज जी हैं। ये है शिव जी की मूर्ति। 7 बज गए, 7 बजे का टाइम ये अद्भुत, बहुत शानदार बनाया हुआ है ये।
इस पर ऊपर अगर आपको जाना है तो 400 रुपये का टिकट है, जिसमें 200 रुपये नीचे वाला पोर्शन है गार्डन वाला, और 200 रुपये आपको इसमें ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए हाथ में एक की आपको बैंड बांधेंगे जिससे कि आप ऊपर जा सकते हो। इस वाले पोर्शन में फूड कोर्ट बना हुआ है नीचे, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बंजी जंपिंग, भूल भुलैया, ये भूल भुलैया बनी हुई है, मेज गार्डन, और ये सामने बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, अद्भुत है। मतलब आपको 200 रुपये का टिकट जो ये ले रहे हैं जिस चीज़ को दिखाने का, वास्तव में एक बहुत शानदार चीज़ इन्होंने बनाई है यहाँ पर। वाह 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 वाटर फाउंटेन है इधर, फाउंटेन शो भी होता है। इधर भी आपको बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। बहुत सारी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए यहाँ पर, बहुत सारी आप फैमिली के साथ आएंगे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होगा। इधर कार रेसिंग वगैरह कर सकते हैं आप, कार ड्राइविंग, इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। इधर फूड कोर्ट भी बना हुआ है, तो आप इसमें भी अगर आप कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, टी, कॉफ़ी, ये सारा कुछ आपको खाने पीने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए क्या शानदार व्यू नज़र आ रहा है, गार्डन है, ये छोटी इस टाइप की गाड़ियाँ चलती हैं जिनमें आप यहाँ पर सब चीज़ों का चार्ज है, टिकट है, जैसे आप अगर एक्स्ट्रा जो भी चीज़ राइड करते हैं उन सबका चार्जेज अलग से लगेगा। बाकी पार्क में घूमना है आपको तो आप केवल 200 रुपीज़ में पार्क आराम से घूम सकते हैं पूरा पार्क। एक्टिविटीज़ अगर आप कोई भी करते हैं तो उसका चार्ज अलग से लगेगा। यहाँ पर है तुलसी वाटिका, अशोक वाटिका, पुष्प वाटिका, धर्म स्थल, और सामने है भूल भुलैया उद्यान, मेज गार्डन, जो कि काफ़ी अगर इसके अंदर आप जाएंगे तो भूल भुलैया ये वास्तव में ऐसा कुछ अंदर से बना हुआ है भूल भुलैया गार्डन, जिसके अंदर आप एक बार पहुँच गए तो इसमें भूल भुलैया में ऐसे खो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ आप आ गए हो और कहाँ से बाहर निकलोगे। तो ये देखें यहाँ से जो बाहर का व्यू आ रहा है, सामने का ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ये आप देखें।
सामने नंदी भगवान की शानदार मूर्ति जो कि भगवान भोले को देखती हुई है। आपको यहाँ पर बैठने के लिए भी इस टाइप की टेबल्स वगैरह लगी मिलेंगी और पानी यहाँ पर वाटर कूलर लगे हुए हैं बहुत सारी जगह पर, आपको पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत सुंदर व्यू आ रहा है ऊपर से देखते हैं ना, जब यहाँ से तो बहुत सुंदर व्यू आता है। ये है चरण वंदना, जहाँ आप भोले भगवान के चरण स्पर्श कर सकते हैं यहाँ आके। यहाँ से ऊपर जाएंगे चरण वंदना के लिए और यहाँ से नीचे जाएंगे जो लेजर शो होता है उसके लिए। इस टाइप के लेजर शो रात को रोज 8 बजे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अद्भुत बहुत शानदार व्यू नज़र आता है इस टाइम पर। विद्रोह कर दिया मेरे गुरु ने, मुझे सच्चित करना चाहता था, अक्षय धर्म को हानि पहुंचा कर। तो गाइस हमने वो देख चुका जो हमें देखना था और इतने ज्यादा बहुत ज्यादा। और अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अपने गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं जयपुर के लिए। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रहे